हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास में एक MI का फ़ोन है और दोस्तों इसके अंदर प्रॉब्लम हमारी है। ये फ़ोन वैसे तो ऑन है बट इसके अंदर प्रॉब्लम है हमारी ये या इस स्विच की, जो ये फ्लेक्स होती है हमारी, इसमें हमारे वॉल्यूम स्विच भी होते हैं और पावर बटन भी होता है। तीनों बटन इसी के अंदर होते हैं और ये इसके अंदर यहाँ पर ये फ्लेक्स का पत्ता यहाँ लगा हुआ होता है। यहाँ पर फ्लेक्स लगी हुई होती है जिसकी वजह से ये कनेक्ट होती है और कनेक्ट होने से ये तीनों बटन हमारे काम करते हैं। तो अभी फ़िलहाल इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, ये मैंने फ़ोन खोला है तो इसका ये फ्लेक्स जो है ये कटी है, ये फ्लेक्स जो है कटी हुई है। बुरा क्यों कह रहा हूँ उनकी तो दोस्तों, इसके अंदर हमारी ये फ्लेक्स टूटी है, कटी हुई थी, तो मैं इसको जम्पर के ज़रिए से चालू करूँगा। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जम्पर में जम्पर कहाँ कहाँ लगाने हैं आपको और कौन सा। तो देखिए, ये जो जहाँ हमारी फ्लेक्स लगेगी, फ्लेक्स का जेक लगेगा, वहीं पर आपको ये तीन पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, बिल्कुल ये देखिए ये तीन पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आपको। इसमें जो ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, ये हम फ़ोन इस तरीके से पकड़ते हैं, ये देखिए ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये हमारा पावर का बटन है, ये हमारा पावर पॉइंट है और पावर प्लस पॉइंट है और एक ग्राउंड है। ग्राउंड कहीं से भी ले लेंगे, ये और ये हमने ग्राउंड लिया, दोनों को कनेक्ट किया तो ये हमारा फ़ोन ऑन हो गया। तो इस तरीके से तो ये पावर बटन काम करेगा। और दूसरा, इसके नीचे वाले जो पॉइंट है ये थोड़ी बाहर की तरफ निकला हुआ, ये देखिए इस पॉइंट में क्या होगा, ये पॉइंट है आपका प्लस पॉइंट, वॉल्यूम प्लस पॉइंट, और ये नीचे वाला जो तीसरा पॉइंट है ये है आपका वॉल्यूम माइनस पॉइंट। तो एक एक जम्पर तो आप इनसे लेंगे और एक जम्पर आप यहाँ से ग्राउंड से लेंगे। और देखिए खोलना ज़रा, तो ये जो पॉइंट होते हैं इसमें देखिए आप, ये जो बाहर वाला जो पॉइंट होता है ये ग्राउंड है, अंदर वाला जो पॉइंट है ये हमारा प्लस पॉइंट है। इसी तरीके से ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, इन तीनों को पहले हम चेक कर लेंगे कि ये हमारा कहीं से ब्रेक तो नहीं है। वैसे मैंने पहले ये चेक कर लिया है, ये ब्रेक है नहीं कहीं से भी। ग्राउंड हमारा बिल्कुल ओके है, यहाँ से तो सिर्फ एक जम्पर देंगे हम ग्राउंड से। तो पहले ये एक जम्पर हम ग्राउंड पे लगा लेते हैं, एक एक जम्पर करके बताएंगे हम आपको। तो ग्राउंड के लिए हम ये देखिए, ग्राउंड हम यहाँ पर लगाएंगे, ये एक ग्राउंड पॉइंट हो गया, एक जो पॉइंट है एक ये हमारा प्लस पॉइंट हो गया। ये हमारा वॉल्यूम प्लस पॉइंट हो गया और एक हमारा ये हमारा वॉल्यूम माइनस पॉइंट और एक ये हमारा ये तीसरा पॉइंट जो हमारा पावर का है,
ये हमारा पावर बटन, और ये हमारा वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, और ये हमारा ग्राउंड। तो सबसे पहले हम ग्राउंड लगा देंगे। ये देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर हल्का सा कोने पर ग्राउंड लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये वॉल्यूम अप है, इसको हम यहीं पर ही हमने वॉल्यूम अप लगा दिया, और ये हमारा वॉल्यूम डाउन है। ये हमारा ये देखिए, ये हमने तीनों जम्पर लगा दिए हैं। थोड़ा मैं आपको जूम करके बिल्कुल दिखा देता हूँ। ये हमने एक ग्राउंड पे लगा दिया, दूसरा ये एक ग्राउंड पे लगा दिया दोस्तों, और दूसरा ये यहाँ से डाया और एक अंदर लगा दिया, तीसरा पावर बटन यहाँ लगा दिया है, और वॉल्यूम वाला वॉल्यूम डाउन वाला ये हमने लगा दिया। तो अब हम इसको सबसे पहले यहाँ से चेक करेंगे कि हमारा काम करता है या नहीं। तो ये देखिए, बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से काम कर रहा है। तो ये देखिए, मैं यहाँ से चेक कराता हूँ आपको। ये मैं यहाँ से टच करूँगा तो ये आपको तो ये देखिए वॉल्यूम बिल्कुल सही काम कर रहा है, और ऐसे ही है अप भी काम कर रहा है, डाउन भी काम कर रहा है, और वॉल्यूम अप भी काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप ये ऑन ऑफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके फ्लैग्स कट जाए तो इस तरीके से आप ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू।